हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाँ अभी है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी 11 बज गए होंगे, शायद बज गए होंगे या बजने वाले होंगे। तो और आपका एग्ज़ाम हो गया है, उसे लेके मैं आ गई हूँ प्लेट के छुपा रहे। तो आते ही चाहिए बच्चों को नाश्ता, तो नाश्ता किया है उसने। और मेरे ना इतने सारे कपड़े तह लगाने के लिए, तो ये कपड़े तह लगाने मतलब यही है ना कि 10:30 बजे लेने जाती हूँ तो 11 बजे तक काम नहीं पड़ता, तो छोटे मोटे काम थोड़ा बच जाते हैं। तो अभी बर्तन धुल के आ रही हूँ, कपड़े तह लगाने हैं, काम तो बस इतना ही, बस फिर ये है कि खाना बनाना है। बट ये कपड़े तह लगा देती हूँ, मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। मस्ती तो आपने कल की देख ही ली होगी, होली मस्ती। प्लेट ले जाओ बेटा, प्लेट भी ले जाओ, सॉस भी ले जाओ अपना। तो पूरी बनाई थी इसके लिए, बट इसने सब्जी के साथ नहीं खाई, सॉस के साथ में। तो नाश्ता कर लिया, और कल की मस्ती तो आपने देखी ली होगी, भरपूर मस्ती। और दाल रखी मैंने, राजमा रखी है, राजमा रखी हुई है। तो बस खाना बनाऊंगी। और आरब का आज मतलब सिर्फ एक दो पेपर बचे हैं, बट एक की दे रहे हैं ड्राइंग और जीके का। तो जीके तो ऑप्शनल आता है, इतना कोई वो नहीं है मतलब, पर ये जो डीप पढ़ाई वाले थे वो हो गए सारे। तो एक पेपर बचा है 14 को है, हन्नू का कल भी है, हन्नू का जीके का कल है। उनका अलग अलग होता है ड्राइंग और जीके, छोटे बच्चे हैं ना अभी इसलिए। तो बस हन्नू के तीन पेपर बचे हैं, और आपका एक ही समझो 1 दिन का पेपर है ड्राइंग और जीके का, तो एक पेपर बचा है। और बस तो बस पेपर भी होने ही वाले हैं बच्चों के। और सुबह से मैंने ब्लॉग ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया, थकान हो ही रखी थी होली की। बहुत मज़ा आया। पिछले साल आरब का फ्रैक्चर था, और वैसे हमारी होली नहीं थी, बच्चों ने तो खेली थी बट हमारी होली नहीं थी। और उससे पहले साल मेरा फ्रैक्चर था पाँव का, और होली के बाद ही मुझे कोविड हो गया। चलो अब कपड़े तह मंगाती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। सो फ्रेंड, दाल मैंने छोंक दी है, और सिंपल सी छोंके, कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है। और चावल भी चढ़ गए हैं। तो पता है मैंने ये ना गागर नीचे रखी थी, कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे बर्तन की टोकरी रखने में दिक्कत होती ना। एक मिनट है, कैमरा पता नहीं क्यों है सर। तो गागर नीचे रखी थी, लेकिन पता है कि नीचे से पानी निकालते हैं ना बच्चे निकाले, या बच्चों के पापा निकाले, वो पानी गिरा देते थे नीचे, मतलब पूरा पानी सुबह देखते तो इधर पानी हो रखा था, इसलिए मैंने फिर ऊपर ही रख दी वो, क्योंकि वहाँ पे से गिरे भी तो सीधे सिंक में चले जा, वो वॉश बेसिन में चले जाता है। और ये देखो, शादी में मेकअप किया था, फाउंडेशन लगाया, तो देखो मेरे को एकदम से एलर्जी हो जाती है। तो बस दाल उबल रही है, फिर चलती हूँ हलवा को लेने के लिए। और तो फ्रेंड, मैं आपको सीधे अभी मिल रही हूँ, 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जी छौक रही थी, और दिन में ना बस ऐसे ही सो गई थी, और फिर उठे तो मतलब यही होता है कि कहीं से आओ या फिर त्योहारों के बाद ना बैक टू रूटीन होना बहुत टफ होता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी मैंने काटी है थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का, हरी प्याज की, बंद गोभी की, फूल गोभी, तीनों मैंने काट के मैंने कहा मिक्स बना देती हूँ, क्योंकि कोई भी पूरी नहीं थी तो तीनों मैंने कहा मिक्स बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी झोंक रही हूँ, और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। कल सिर्फ हन्नू का पेपर है, आरब का तो पेपर नहीं है। आरब का सीधा 14 को है, बस हन्नू का है जीके का है वो भी। तो पापा ने पढ़ा रहे हैं उनको, और आज मैं कितना सही पता है 2 बजे से सो गई थी, 5:30 मतलब उठी बीच में, जब ये आए तब उठी, खाना भी खाया, फिर खाना खा के फिर सो गई। तो बस ऐसे ऐसे रोटी बात हो गई, मैंने डाल दी है सब्जी, और इससे फिर मैंने ब्लॉग भी बनाया। और कुछ एक्टिविटी भी नहीं होती शाम को इतनी खास की जो वीडियो बनाया जाए, होता है बर्तन वगैरह धुलते, बस तो ये किचन में मेरे फ़ोन रखते हुए प्रॉब्लम होती है ट्रैपर वगैरह में। तो बस यहाँ पर मैंने, और अभी मैंने रिंग लाइट लगाई है। तो यही है कि अगर रात को वीडियो बनाए तो सेटअप काफ़ी करना पड़ता है, रिंग लाइट वगैरह लगानी पड़ती है, नहीं तो बिल्कुल ही उजाला नहीं आता है इसमें, मतलब किचन में बिल्कुल भी उजाला नहीं। किचन के हमारे वो जो पहला वाला रूम है उसकी भी कमी, तो हल्का सा मैंने पानी डाल दी, क्योंकि सब्जियां वैसे सूखी हुई थी पूरी ना, सूखी मतलब गीली नहीं थी, ढीली हुई थी पहले की, तो सूख रखा था पानी, तो इसलिए मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, जिससे थोड़ा भाप लग जाए, नहीं तो नीचे लग जाएगी सब्जी। तो बस सब्जी मैंने छौंक दी है, सब्जी बंद करके बस सब्जी गूंदने के बाद मैं लगा लूँगी आटा। और आटा देख लो आप लोग कैसे लगाती हूँ मैं, मतलब ऐसे तो सभी एक जैसा ही लगाते हैं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग तरीका होता है। तो बस आटा लगाने के बाद इसे रेस्ट करने दूंगी, और आटा रेस्ट करे ना तो अच्छा हो जाता है, मतलब रोटी अच्छी बनती है सॉफ्ट।
तो बस आटा मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। आटा मतलब वही आटा लगा रही हूँ, फिर उसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी तो सॉफ़्ट हो जाता है काफ़ी। वैसे सभी ऐसे ही करते होंगे। और तो बस ये त्योहारों के बाद बैक टू रूटीन आना बहुत टफ हो जाता है। और अब ये ना ये गर्मी वाले दिन आ गए ना, तो बहुत गंदे लगते हैं मुझे ये दिन। गर्मी होने लगी है स्टार्ट, अब फैन ना चलने लगे हैं, तो इसमें यही होता है कि शाम शाम को ना मन उदास सा लगता है, पता नहीं क्यों बोरिंग सा लगता है। और जैसे मैं अपने ससुराल रहती हूँ तो वहाँ नहीं लगता है मुझे, क्योंकि खुला है। और यहाँ ऐसे कि मतलब शाम होते ही वैसे बोरिंग, या तो कहीं घूमने चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बोरिंग बोरिंग सा लगता है। चलो बोरिंग लगे कुछ लगे, क्या करें, रहना तो यही है। तो चलो इसके बाद बनाऊँगी फिर रोटियाँ, और फिर बस सब्ज़ी भी वैसे वैसे वो मिक्स करती रहूँगी, क्योंकि लग जाती है ना नीचे तो। और लोहे की कढ़ाई में बनाई है मैंने, पता है इंडक्शन हमारा ख़राब हो गया। ये ना जैसे लोहे की कढ़ाई, कुकर, ये सब तो पकड़ रहा है, लेकिन जो हमारी जो दूसरी कढ़ाई है इंडक्शन की, उसको नहीं पकड़ रहा बिल्कुल भी। और दूध की जो पतीली रखी है मैंने, अभी दूध बॉईल किया ना, तो इसको बिल्कुल पकड़ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो बस है फिर रोटी बना रही हूँ, और रोटी बना के रख दूँगी, बच्चे पढ़ी रहे, और मैं साथ में ना सीरियल देख रही हूँ, इसलिए नज़र उधर जा रही है, तो इनका फ़ोन लेके मैं सीरियल देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं। फिर खाना बनाते समय टाइम पास भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता खाना बनाने का ना। और इससे पहले रोटी मतलब वो सूट ही नहीं हुआ, रोटियाँ मैंने बहुत सारी बना ली, पता है सूटी बहुत सारी क्या, 10 रोटी बनाती मैं गिन के, इतने ही खाई जाती है, बच्चे भी नहीं खाते, कभी कभी वो भी बच जाती है। तो बस रोटियाँ बन गई है मेरी, आगे मिलती हूँ आपको। ये देखो इन बच्चों को पढ़ने के बहाने लेट रहे हैं, लाइट गई तो बाहर चले गए। उठो उठो जागो उत्तराखंडियो, उठो जागो उत्तराखंडियो, उठो जागो उत्तराखंड, उठो पढ़ाई करो पढ़ाई। अनु बैग भी छात में लग लगा है, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करनी है, खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, छोना है। अच्छा अच्छा दिखाओ, तो खाना बन गया है, इसे भी दिखाओ, देखो 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 इसे देखो, देखो इस लड़के को, देखो इस लड़के को, छेतार लड़के को देखो। बोलता है स्कूल से आते हुए, मम्मी आज आप मुझे मारना नहीं, आज आप मुझे थप्पड़ नहीं मारना। मैंने कहा क्यों, क्योंकि कल मेरी चोट लग गई थी ना, तो मेरे दर्द हो ही रहा है हाथ पे, तो आज और डांट भी मिली थी। हाँ, और मुझे स्कूल में डांट भी क्यों मिली थी, डांट के बताओ ना। अरे प्रेयर तो करनी थी ना, लंच टाइम में प्रेयर नहीं करी तो डांट तो मिलेगी भाई। हाँ, सही क्या? मुझे रोना नहीं आया, रोना नहीं आया नहीं? तो ये ना जैसे इसे हल्का सा भी कोई कुछ बोल देना बिल्कुल रो जाता है ना, इसलिए बोला रोना नहीं आया, चाहे मैडम बोल दे, इसलिए मैम तो इसे कुछ बोलती नहीं है। वीडियो देखनी है तब देख लेना, पहले ब्लॉग का एंड करते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं। इतनी अच्छी सब्जी बनाई है मैंने, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, मिक्स मिक्स वेज, अक्कू थोड़ी देख रही है अपने मामा के लड़के के लिए, और ये अक्कू के लिए, गाइस के लिए। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और अगर वीडियो में नए आए हो तो क्या करना है, क्या करना है, हाँ तो बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भेज देना, हाँ भेज देना किसी को, तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। बाय बाय, कुछ अच्छा भेजना, कुछ अच्छा भेजना, ठीक है बाय।